क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सांसद कौन थे? 1952 में जब राज्यसभा बनी तो उस समय राज्यसभा में मध्य प्रदेश से किसका रिप्रेजेंटेशन था, कौन से पॉलिटिशियन रिप्रेजेंट करते थे? तो इस वीडियो में मैं पवन चौधरी आपको उन्हीं सांसदों के बारे में, उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसको बताने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो मध्य प्रदेश है वो पहले 1956 के पहले ये स्थिति नहीं थी। 1956 के पहले अभी का जो मध्य प्रदेश है वो चार अलग 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 स्टेट्स में, चार अलग अलग राज्यों के अंदर विभाजित था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट विंध्य प्रदेश, मध्य भारत के बाद आपका भोपाल स्टेट, और उसके बाद मध्य प्रदेश, जो पुराना मध्य प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, या सीपीएन बरार वाला एरिया बोलते हैं। तो इन चार राज्यों में, इन चार स्टेट्स के अंदर मध्य प्रदेश विभाजित था, और इन सभी राज्यों को, इन चारों राज्यों का जो सीट था वो आपके राज्यसभा के अंदर आपको तय था कि किसका कितना सीट यहाँ पर आपको होगा। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे हम पहले बात करते हैं भोपाल स्टेट की। भोपाल स्टेट के अंदर राज्यसभा की सिर्फ एक सीट थी। अब आपको ये बता दूं कि ये जो सीट है वो 4th शेड्यूल में, या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 4th अनुसूची के अंदर, नंबर ऑफ सीट इन द राज्यसभा, वो सीट यहाँ पे डिवाइड की गई है। तो उस समय पे एक सीट जो है वो राज्यसभा के अंदर हुआ करता था भोपाल स्टेट का। और भोपाल स्टेट के पहले और आखिरी जो मेंबर थे उनका नाम था श्री भैरव प्रसाद, क्योंकि 1952 में इनका इलेक्शन हुआ और 1958 के अंदर जाके इनका रिटायरमेंट हुआ होगा। तो भैरव प्रसाद सिंह जो है वो राज्यसभा के पहले सदस्य हैं, अपॉइंट होते हैं। फिर विंध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य प्रदेश में टोटल 4 सीट्स हुआ करती थी राज्यसभा की, और इन 4 सीट्स के अंदर जो मेंबर थे वो थे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, जो आपके इस विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, बनारसी लाल चतुर्वेदी जी, गुलशेर अहमद और बैजनाथ दुबे। तो ये चार मेंबर विंध्य प्रदेश से रिप्रेजेंट किया करते थे आपके राज्यसभा के अंदर। तीसरा जो स्टेट था वो था मध्य भारत, जो भोपाल, आपका ग्वालियर और इंदौर रियासतों को और आसपास की मालवा की रियासतों को मिलकर यहाँ पे बना था। तो मध्य प्रदेश, मध्य भारत थोड़ा बड़ा एरिया था, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिप्रेजेंट करते थे। और इन ये जो 6 मेंबर थे वो थे सरदार चंद्रोजी संभाजी राव आंगरे, श्री कन्हैया लाल डी वैद्य, श्रीकांत व्यास, आपके रघुवीर सिंह, वीएस सरवटे और त्रिम्बक दामोदर पुस्ताके। ये 6 मेंबर जो है आपके मध्य भारत से रिप्रेजेंट किया करते थे। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश था, जिसको हम पुराना मध्य प्रदेश या सीपीएन बरार कहते हैं, तो यहाँ से टोटल 12 मेंबर या 12 मेंबर हुआ करते थे, जिनके नाम थे वामन श्रीदेव आपका बरेलंगले, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ये वाले ठाकुर भानु प्रताप सिंह नहीं है, श्री राम राम राव माधव राव देशमुख, आर पी दुबे, पंडित सीताचरण दुबे, एम आर मजूमदार, उसके बाद आपके मिश्रा जी थे, उसके बाद गोपाल दास बुलाकी दास मोहता, रघुवीरा, उसके बाद समीउल्ला खान और श्रीमती सीता परमानंद इसकी मेंबर हुआ करती थी। तो अब याद रखिएगा, श्रीमती सीता परमानंद जो है मध्य प्रदेश से आपके इलेक्ट होने वाली पहली वुमन एमपी थी, पहली महिला जो है वो सांसद के रूप में इनको राज्यसभा के अंदर आपको भेजा गया था। खैर, ये पुराना मध्य प्रदेश था। तो 12 सीट जो है वो मध्य भारत के अंदर, 6 सीट 12 सीट मध्य प्रदेश के अंदर, 6 सीटें मध्य भारत के अंदर, 4 सीटें विंध्य प्रदेश और 1 सीट भोपाल स्टेट के अंदर यहाँ पर आपको हुआ करती थी। 1956 में, 1956 में जब मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जो सीट है राज्यसभा के अंदर वो सीट 16 हो गई, 16 यहाँ पर आपको हो गई। और जब 2000 के अंदर जब अलग से आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल जो राज्यसभा की सीट है वो 16 से कम होके आपको 11 हो गई। तो अभी के समय में मध्य प्रदेश में 16 राज्यसभा बाकी सीट जो है वो यहाँ पर है, जिसमें से 10 सीट अभी भरी हुई है। 1 सीट थावरचंद गहलोत के इलेक्ट होने, उनके राज्यपाल बनने के कारण, गवर्नर बनने के कारण यहाँ पर आपको खाली है। तो ये मध्य प्रदेश के मेंबर हुए जो राज्यसभा के अंदर, पहली राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा पहली क्या, राज्यसभा के अंदर यहाँ पर आपको इलेक्ट हुए। उसके अलावा अन अकेडमी पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं। अभी मेरे 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं। एक एमपीपीएससी मेन्स पेपर 3 का कोर्स चल रहा है, एक कोर्स एमपीपीएससी मेन्स पेपर 1 पार्ट B चल रहा है, और उसके साथ में एक पेपर 2 का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं कल से मैं आपको एमपी इकोनॉमी जो है, मध्य प्रदेश इकोनॉमी मेंस के लिए यहां पर आपको मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, उसी के साथ में आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, और उसी के लिए आपको अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट है, इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको टॉप 3 रैंकर को 50% और 4 से लेकर 10 रैंकर को 25% तक डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही T20 सीरीज, गुरु मार्गदर्शन सीरीज, एमपीपीएससी प्रीलिम सीसेट सीरीज और कई सारे आपके, और 8 महीने का एक फाउंडेशन बैच है जो ऑलरेडी 18 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, एक बैच 16 तारीख को स्टार्ट हो चुका सेक्शन ए की एग्जाम के लिए, और उसी के साथ में कई सारी जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर
कई सारी बैचेस हमारी आपको स्टार्ट हो रही है, और इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेरा कोड पवन लाइव यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ में अनअकैडमी के जो प्राइजेस हैं वो बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, इसके पहले प्राइजेस बढ़े आप अभी जाके प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। और अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीना एक्स्ट्रा, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही अनअकैडमी के ऊपर आप नया जो आपका फीचर है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी पीडीएफ्स वगैरह हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेस को यहाँ पर रेगुलर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के। अभी जाइए और पवन लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अभी परचेज कीजिए। थैंक यू।